हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी के लिए 11th NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 21 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्तों लैब से रिलेटेड जो प्रश्न हैं दोस्तों उसकी ये सीरीज नंबर 4 है। अगर इससे पहले आपने नहीं देखी तो NTA DU की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों उसमें जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोटेक्टर है, मैं या इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को जो इक्विपमेंट होते हैं जो जनरली लैब में यूज किए जाते हैं दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो अभी 30 जो इक्विपमेंट है दोस्तों वो हम इससे पहले वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर 31 है प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर का काम क्या काम क्या होता है, टू ड्रा एंगल यानी जीरो से लगा के 180 डिग्री तक के जो एंगल हैं दोस्तों वो मापे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटेक्टर को आप जनरली जानते भी होंगे। उसके बाद सर्किट बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड असेंबली विथ टॉर्च बल्ब 1.5 बोल्ट का होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, टू इलस्ट्रेट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिंपल सर्किट, टू शो मेक एंड ब्रेक ऑफ सर्किट, टू शो हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू वर्क, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या वर्क होता है, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फोर्स है वो कैसे जनरेट होता है दोस्तों उसके बारे में हम किससे पता करते हैं, सर्किट बोर्ड से। और आप सभी जानते हैं कि जो श्री जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों, जो हमारे घरों में बल्ब लगे रहते हैं, ठीक है, सीरीज या पैरेलल में लगे होते हैं, सर्किट किस चीज़ में, सर्किट सीरीज में होता है या पैरेलल में लगा होता है, इन सब चीज़ का जो प्रैक्टिकल दोस्तों करना होता है। उसके बाद होता है LED लाइट। LED की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये अच्छा, इसका क्या यूज होता है दोस्तों, यूज एंड इंडिकेटर इन टेस्ट लैम्प, मतलब जो लैम्प होता है यूज एज इंडिकेटर में, ये टेस्ट लैम्प में दोस्तों यूज होता है। उसके बाद स्लिंकी का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो टू शो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रेवर्स वेव। उसके बाद मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट जो चुंबक होती हैं वो 1 इंच की यूज होती हैं, कितने की, 1 इंच की यूज होती हैं, टू शो दैट अट्रैक्शन फॉर आयरन इन इंस्टेंस एंड बट फॉर एट मिडल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चुंबक होती है वो S और N पोल जो होते हैं उसके, बट टू शो एग्जिस्टेंट ऑफ पोल्स फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट NS डायरेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। उसके बाद अट्रैक्शन ऑफ सेम पोल, रिपल्सन ऑफ अपोजिट पोल्स, एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद स्टेनलेस स्टील की जो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, उसका क्या यूज होता है, टू शो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूज विद वेल्जर, वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नो रेशियो ऑफ गैसेज, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड होता है जो फिक्स इन कॉर्क में होता है दोस्तों, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टेस्टिंग कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है। उसके बाद 37 पे है प्लास्टिक 3ml, ठीक है, प्लास्टिक 3ml, इसका टू ट्रांसफर ड्रॉप ऑफ केमिकल, मतलब इसका यूज किसके लिए करते हैं, हम जो ड्रॉप होती है उसको केमिकल की उसको ट्रांसफर करने के लिए, किसका, प्लास्टिक 3ml का दोस्तों हम यूज करते हैं। 38 पे हम चलते हैं दोस्तों, प्लास्टिक फर्नेल। अच्छा, प्लास्टिक फर्नेल क्या होता है, फॉर प्योरिंग लिक्विड इनटू कंटेनर, टू शो फिल्ट्रेशन एक्सेवल एंड इनहेल ऑफ एयर फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स, इसका यहाँ पर यूज किया जाता है प्लास्टिक फर्नेल का, टू शो इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फोटोसिंथेसिस, मतलब ये क्या करता है, जो सनलाइट होती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, उसके प्रैक्टिकल में दोस्तों ये यूज होती है। उसके बाद फिल्टर पेपर के 10 पीस यूज होते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर कौन से होते हैं, यूज फॉर फिल्टरिंग द सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ए केमिकल रिएक्शन और इन्हें क्रोमोफोटोग्राफी, मतलब क्रोमोफोटोग्राफी में जो फिल्टर पेपर होता है दोस्तों उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, डिस्पेंसिंग बॉटल्स क्या होता है, डिस्पेंसिंग बॉटल क्या होता है, यूज टू कीप द केमिकल रेग्नेंट, यूज टू कीप द केमिकल रेग्नेंट, ओपन द कैप एंड सिक्वीज द बॉटल टू डिस्पेंस 1 or 2 ड्रॉप।
लेवल द डिस्पेंसिंग बोतल। देखिए हो सकता है दोस्तों प्रणाम मेरे बोलने में और मेरी इंग्लिश पढ़ने में आपको प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा हो, क्योंकि दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज है वो खड़ी लैंग्वेज है। उसके बाद वायल्स क्या होता है, तो यूज ए कंटेनर टू स्टोर द सॉलिड केमिकल, जिनमें जो सॉलिड केमिकल को दोस्तों स्टोर किया जाता है तो उसको वायल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वायल्स। 42 नंबर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या वर्क होता है, फॉर असिस्टिंग आइज इन द विजन ऑफ मिनट, फॉर असिस्टिंग आइज इन द विजन ऑफ मिनट ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्यूचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन विथ नेक्ड आई टू ऑब्जर्व स्लाइड फीचर्स ऑफ इंसेक्ट टू स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, मेजरिंग टू मेजर लिक्विड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एज ए कंटेनर, मतलब लिक्विड को हम किस में मेजर करते हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर में करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टू मेजरिंग लिक्विड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो विकल्प में होगा मेजरिंग सिलेंडर या अन्य और कोई विकल्प होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको दोस्तों ये करना है। उसके बाद 44 नंबर पर है माइक्रो टेस्ट ट्यूब रैक, तो इसका क्या वर्क होता है, द टेस्ट ट्यूब रैक इज यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब वाइल रिएक्शन हैपन द डैम और वाइल द आर नॉट नीडेड। उसके बाद डेफ्लेग्रेटिंग स्पून, इसका क्या मतलब होता है, फॉर बर्निंग मैग्नीशियम रिवन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। उसके बाद चाइना डिश का क्या मतलब होता है, तो हीटिंग ऑफ केमिकल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एज ए कंटेनर, तो किस में करते हैं दोस्तों, चाइना डिश में, यानी कि हीट, उसको हीट देते हैं केमिकल को, तो जिसमें जिस पात्र में हम इसको हीट देते हैं उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, चाइना डिश दोस्तों उसको कहा जाता है। उसके बाद बास बोतल, बास बोतल क्या होता है, यूज टू कंटेन वाटर टू बास द एपरेस्टस। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों हम, नेक्स्ट है जनरेटर असेंबली, मतलब जनरेटर असेंबली का क्या मतलब होता है, ए एज मिनी पावर हाउस, इसको क्या बोला जाता है, एज ए मिनी पावर हाउस, और 15 वोल्टेज टू 5000 मिली एम्पियर फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है टू सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये किसको क्या काम करता है, जो एनर्जी होती है दोस्तों उसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है। लाइटिंग बल्ब ऑफ एग्जप्ट विथ लाइट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट विथ सेट ऑफ रजिस्टर। उसके बाद क्या होता है, पेरिस्कोप फ्रेम विथ मिरर, पेरिस्कोप फ्रेम विथ मिरर का क्या यूज होता है प्रैक्टिकल में, यूज टू फिट द प्लेन, यूज टू फिट द प्लेन मिरर स्ट्रिप एंड वर्क एज पेरिस्कोप। दोस्तों एक और चीज़ मैं और बता दूं आप सभी के लिए, एक करंट अफेयर की मैराथन, देखिए करंट अफेयर तो बहुत होता है लेकिन करंट अफेयर के वे टॉपिक जो आपके एनटीए एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास आने जा रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, और उसकी पीडीएफ और इसकी भी पीडीएफ में दोस्तों आपको हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उस पर मैं दोस्तों शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद ही दोस्तों मैं ये जो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी के बीच शेयर कर दूंगा। तो प्लग की का क्या मतलब होता है, यूज टू वन वे की एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद क्या होता है, क्रोकोडाइल क्लिप्स, क्रोकोडाइल क्लिप्स का क्या यूज होता है हमारे इसमें, तो ये होता है यूज एज कनेक्टर ऑन द सर्किट बोर्ड ड्यूरिंग वेरिएशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा जनरल आइटम क्या होते हैं, जो जनरल अभी जनरल आइटम क्या होते हैं, जो कैटेगरी बी में आते हैं जो प्रैक्टिकल के, रबर बैंड्स होते हैं, ठीक है, रबर बैंड, इनका क्या यूज होता है, टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन साउंड मिसलेनियस यूज। रबर बैंड के क्या होते हैं, एब्जॉर्ब साइज होता है इनका। उसके बाद रबर बैलून्स, ये भी यूज किए जाते हैं टू सो साउंड एंड ट्रैवल इन वाटर, मतलब किस इसका टू सो साउंड कैन ट्रैवल इन वाटर, यूज डायफ्राम इन एग्जप्ट टू इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन। उसके बाद कॉटन थ्रीड का क्या यूज होता है, टू शो ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मिसलेनियस यूज। उसके बाद कैंडल
कैंडल का आप देखेंगे लैब में कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपको कैंडल भी मिलेगी। तो एज ए हीट सोर्स इफ नो अल्टरनेटिव अवेलेबल, इसका यूज हम कब करते हैं, यदि अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। टू डिफरेंट बिटवीन बर्नर एंड कैंडल फ्लेम, ये क्या करता है, डिफरेंस करता है किसके, बर्नर ऑफ कैंडल फ्लेम में। उसके बाद रबर शुकर्स क्या होते हैं, रबर शुकर्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है टू शो डिफरेंस ऑफ प्रेशर। उसके बाद फोर्सेप्स क्या होता है, तो यूज टू पिक एंड होल्ड द सब्जेक्ट वाइल एक्सपेरिमेंटिंग। उसके बाद आयरन नेल्स का क्या होती है, जो साइज होता है इसका 10 होता है। आयरन नेल्स टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, मतलब ये कब यूज करा जाता है, जो आयरन नेल्स होती हैं टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें एक बार में पढ़ने से आपको याद नहीं होंगी, इसलिए आप क्या तो वीडियो को रोक कर इनको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद दोस्तों एक से दो बार कम से कम सारी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब ब्रश होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, फॉर कलेक्टिंग एंड क्लिनिकल केमिकल ETC। टेस्ट ट्यूब ब्रश का काम होता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर का क्या काम होता है, टू होल्ड टेस्ट ट्यूब वाइल परफॉर्मिंग एक्सेप्ट हीटिंग केमिकल ड्यूरिंग, मतलब जब हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के और गर्म करते हैं, हीट करते हैं दोस्तों, तब हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज हम दोस्तों करते हैं। उसके बाद पॉलिएस्टर क्लॉथ का क्या यूज होता है, जो 150x150 mm का पीस होता है, तो यूज फॉर रबिंग विथ बैलून्स या प्लास्टिक स्ट्रिप टू गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, तब दोस्तों हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद बैलून क्लॉथ का दोस्तों हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोकोल का यूज क्या किया जाए, थर्मोकोल की जो सीट होती है इसका क्या यूज होता है, तो यूज एज माउंटिंग बोर्ड, इसको यूज किसके लिए, किसके प्रकार से किया जाता, माउंटिंग बोर्ड के प्रकार से, फॉर स्टडी एक्सपेरिमेंट टू इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो दोस्तों तब इसका वहाँ पर यूज किया जाता है। 13वें नंबर पर दोस्तों प्लास्टिक स्ट्रिप विथ बैलून क्लॉथ अटैच एट वन साइड, तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों टू शो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेंस एंड ओपेक मीडियम टू जनरेट स्टैटिक चार्ज। उसके बाद ग्लेज्ड ग्लास सीट, इसका क्या यूज होता है, यूज ऑफ मिक्सिंग ड्राई पेस्ट ड्राई केमिकल एंड ड्यूरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, पेस्ट को मिलाते हैं, ठीक है, यूज ऑफ मिक्सिंग ड्राई पेस्ट टाइप केमिकल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको ग्लेज ग्लास सीट दोस्तों बोला जाता है। और कितने mm की होती है, 100x100 mm की दोस्तों ये सीट होती है। उसके बाद दोस्तों प्लेन मिरर स्ट्रिप ये की जाती है दोस्तों, यूज किसमें, फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ कैलिडोस्कोप में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कॉपर स्ट्रिप, ये 2x10 mm की होती है, ये होती है CU एज इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर हम CU का यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तब जो कॉपर स्ट्रिप का हम यूज करते हैं। उसके बाद एमरी पेपर का क्या यूज होता है, तो जनरली दोस्तों लैब में एमरी पेपर का यूज किया जाता है। उसके बाद सैंड पेपर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जो 3 पीस होते हैं इसका क्या, तो जनरली जो सैंड पेपर होते हैं दोस्तों इनका भी हम जनरली यूज करते हैं। उसके बाद जी क्लैंप का क्या यूज होता है दोस्तों, तो यूज है वाइस की तरह दोस्तों, हम इसको जकड़ने के लिए, यानी कि जकड़ किसी भी चीज़ को जकड़ने के लिए, जिससे कि कोई भी चीज़ अगर हम गर्म कर रहे हैं या किसी चीज़ पे या कोई क्लैंप कर रहे हैं तो दोस्तों इस जी क्लैंप का दोस्तों हम यूज करते हैं, तो यूज एज ए बाइस के रूप में। उसके बाद लेंस एंड स्फेरिकल मिरर स्टैम्प, इसका क्या यूज होता है, तो यूज टू होल्ड द लेंस एंड स्फेरिकल मिरर दोस्तों इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद थिन जो रबर सीट होती है दोस्तों, ये भी क्या है लैब में, इसका भी जनरली यूज यहाँ पर किया जाता है, और ये भी 100x100 mm की दोस्तों होती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा टूल्स, जो कुछ टूल्स आइटम होते हैं जैसे कटिंग टूल्स होते हैं लैब में, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो नाइफ होता है यानी कि चाकू होता है, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, यूज फॉर कटिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यूज ऑफ पर्निंग प्लांट्स एंड पेपर, इसका यहाँ पर दोस्तों यूज
किया जाता है। उसके बाद सर्जिकल सीजर का क्या काम होता है, जो सर्जिकल सीजर होती है दोस्तों उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है यूज फॉर कटिंग थिन मेटल प्लास्टिक सॉइल फॉर पर्निंग प्लांट, इसका दोस्तों यहाँ पर ये यूज होता है। उसके बाद 3 नंबर पर दोस्तों स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का क्या यूज होता है, तो यूज फॉर स्क्रूइंग अनस्क्रूइंग, इसका दोस्तों यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद 4th नंबर पर दोस्तों बोतल ओपनर क्या होता है, विथ कॉर्क स्क्रू, जैसे कि यानी कि अगर कोई केमिकल है तो हमें अगर कोई केमिकल वो खतरनाक भी हो सकता है, हजार्ड भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों उसको हटाने के लिए बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दोस्तों एक बोतल ओपनर का दोस्तों हम यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा इसका ये क्या यूज होता है, तो यूज एज ए स्टिकर फॉर टर्निंग फॉर, यूज एज बोतल ओपनर ऑफ एज ए स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद क्ला हैमर, उसके बाद क्ला हैमर का क्या यूज होता है, तो क्ला हैमर का यूज होता है दोस्तों टू रिमूव इनसाइड नेल्स, उसके बाद जो कील्स वगैरह होती हैं उसको निकालने का, उसके बाद फॉर इंटरेस्टिंग नेल इन टेबल बार। देखिए ये जनरली चीज़ें आप सभी के व्यावहारिक जीवन में भी यूज होती हैं, आप सभी इनके बारे में जानते भी हैं, तो इसलिए आसानी से आप सभी को याद भी होंगे। उसके बाद सेविंग ब्लेड का क्या यूज होता है, तो सेविंग ब्लेड का यूज होता है फॉर कटिंग बैक सेमी सॉल्ट केमिकल प्यूरिंग पर्निंग ऑफ प्लांट इटीसी। उसके बाद स्कैल्पेल का यूज क्या होता है, तो यूज ऑफ डाइजेक्शन दोस्तों इसका यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद डिसेक्टिंग जो निडल होती है उसका क्या यूज होता है लैब में, तो टू पॉइंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमैन। उसके बाद टू पेयर्स पेपर ऑफ एनी अदर सच आइटम। उसके बाद पेयर टोंग्स का क्या यूज होता है, जो पेयर टोंग्स होते हैं दोस्तों उसका क्या यूज होता है, तो फॉर होल्डिंग हॉट ग्लास रॉ टेस्ट ट्यूब एटीसी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद गिलास जो वायर होती हैं अपरेस्टर्स होते हैं एंड मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से दोस्तों लैब में यूज किए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों पैट्री डिश, पैट्री डिश का क्या यूज होता है, तो ये क्या है दोस्तों गिलास वाले हैं, तो यूज विथ वेल जार फॉर गेटिंग डिसलेस वाटर एज कंटेनर, यूज ऑफ जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। उसके बाद माइक्रो टेस्ट ट्यूब, अच्छा माइक्रो टेस्ट जो ट्यूब होती है वो 4 mm की और 8 mm की दोस्तों यहाँ पर होती हैं। फॉर एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट हीटिंग होल्डिंग ऑफ केमिकल, मतलब इन पे क्या क्या किया जाता है, केमिकल को रखा जाता है होल्ड ठीक है और हीट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो टेस्ट ट्यूब। अब माइक्रो टेस्ट ट्यूब भी आपका इनका जो कितना होता है ये 4 की और 8 mm की जनरली दोस्तों होती हैं। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास, ये क्या होता है दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज क्या करते हैं दोस्तों, यूज टू शो मैग्नीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस केमिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर ये यूज किया जाता है। उसके बाद बीकर, बीकर कौन सा हम यूज करते हैं, तो बीकर यूज करते हैं एज ए कंटेनर फॉर यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट थर्मो केमिस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ साल्ट ईटीसी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे ग्लास स्लाइड, अच्छा ग्लास स्लाइड का क्या उपयोग होता है, तो यूज टू कलेक्ट, मतलब जो स्पेसिमेन होते हैं दोस्तों उसको हम क्या करते हैं वहाँ पर यूज करते हैं, यूज टू कलेक्ट स्पेसिमेन, तो ग्लास स्लाइड का दोस्तों। उसके बाद बाई टू ब्रोसिलिकेट, तो इसका यूज होता है टू शो वर्किंग ऑफ लंग्स। उसके बाद कवर स्लिप, कवर स्लिप का क्या यूज होता है दोस्तों, फॉर कवरिंग स्पेसिमेन दैट द बींग ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसके बाद ग्लास रॉड फॉर कवरिंग स्पेसिमेन दैट इज बींग ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसके बाद बैल जार का क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बैल जार क्या होता है, टू शो फंक्शन ऑफ लंग, जो बैल जार होता है टू शो फंक्शन ऑफ लंग, टू शो इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद डबल माउथेड जो फ्लास्क होता है उसका क्या यूज होता है, टू शो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों उसका कितना परसेंट होता है, टू शो एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, मतलब ये किसको शो करती है, जो डबल माउथेड फ्लास्क होती है दोस्तों ये करती है टू शो एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स को दोस्तों यहाँ पर यूज करती है। 11th नंबर पर दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे ग्लास ट्यूब का क्या यूज होता है, तो फॉर मिसलेनियस यूज इन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, जो ग्लास ट्यूब होती है दोस्तों वो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है दोस्तों उसमें उसके बहुत सारे यूज
होते हैं। अच्छा, डब्ल्यू ट्यूब क्या होती है? तो डब्ल्यू ट्यूब टू गेट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मतलब जो डब्ल्यू ट्यूब होती है इसमें ये क्या है दोस्तों, गैसों का क्या है गुण बताती है, मतलब गैसों के गुण के बारे में दोस्तों हम इससे अध्ययन करते हैं। अच्छा, बाच गिलास क्या होता है? तो दोस्तों द बाच गिलास इज यूज टू होल्ड सॉलिड वैन विंग वेट ऑफ ट्रांसपोर्टेड इंसुल्ट नेवर हेड। उसके बाद डबल कोन कैप एंड डबल कोन कैप लेंस, अच्छा कोन कैप और कॉनवेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी एफएल फोकल लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर और डाया कितना होता है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, इसका यूज करते हैं हम दोस्तों। यूज टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑन ए स्क्रीन। उसके बाद कोन कैप एंड कॉनवेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 mm है, डाया 50 है, टू यूज टू शो इमेज इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम जो केमिकल यूज करते हैं, उसके बाद जो हम केमिकल यूज करते हैं दोस्तों अपनी केमिस्ट्री लैब में, तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यूज करते हैं परमेंट स्लाइड। अच्छा, परमेंट स्लाइड ये क्या होते हैं दोस्तों? तो पहले नंबर पर होता है हाइड्रोसोइंग वर्डिंग, दूसरा होता अम्बिया सोइंग बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता पैरामीशियम जो एक इंच का होता है, उसके बाद यीस्ट पाउडर हम 10 ग्राम यूज करते हैं, उसके बाद यूरिया दोस्तों 10 ग्राम यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास 10 ग्राम रखा होने अगर मैं बताऊं लैब में तो बहुत सा अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मात्रा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों मात्रा यूज कर रहे हैं जो एक प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं, वरना लैब में तो ये बहुत सारा आपको देखने के लिए, बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगा। कॉपर सल्फेट 10 ग्राम यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्स 10 ग्राम यूज करते हैं, मिथिलेन ब्लू सॉल्यूशन 10 ml यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है वो 10 ml यूज करते हैं, और फिनोलेफ्थीन दोस्तों 10 ग्राम यूज करते हैं, मैग्नीशियम का जो रिबन है दोस्तों वो हम कितना, उसके बाद बेकिंग सोडा 10 ग्राम यूज करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा 10 ग्राम यूज करते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों उसको ही हम क्या बोलते हैं। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आयरन फिलिंग्स, और उसके बाद लिट्रमस पेपर रेड एंड वाटर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस जो ये लिट्रमस पेपर है कब लाल हो जाता है कब रेड हो जाता है, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला याद करने का होता है, एक ट्रिक होती है अनिल, क्या याद रखना है आपको दोस्तों, अनिल याद करना है, अनिल क्या याद करना है, अनिल, तो ऐसे होता है दोस्तों आपका एसिड, जब एसिड क्या होता है नीले से दोस्तों लाल हो जाता है, एसिड नीले से लाल में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद मेथलेट स्प्रिट, मेथलेट जो स्प्रिट होता है दोस्तों वो आप सभी को यहाँ पर यूज करना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि लैब में कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, और लैब में कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो सेफ्टी पर्पज़ से दोस्तों यूज किए जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा, और इसकी जो PDF है दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको दोस्तों आज शाम को दोस्तों शेयर कर दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छा मटेरियल, बिल्कुल क्वालिटी वाला मटेरियल, और करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैराथन क्लास आने जा रही है, आप यकीन मानिएगा कि करंट अफेयर में हम वही पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएगा। तो चलिए बस दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।